एशियन एक्सपोर्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या वतीनं जीएसटी या विषयावर जो 1 जुलैपासून जीएसटी कर संपूर्ण भारतात लागू केला जाणार आहे या विषयावर 2 दिवसीय सेमिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दरम्यान या सेमिनारमध्ये वेगवेगळ्या आर्थिक घडामोडींवर जे लक्ष ठेवतात अशा तज्ज्ञांनी येथे येऊन मार्गदर्शन केले. एकंदरीत पाहायला गेलं तर जीएसटीमुळे भारताला किंवा भारतातील नागरिकांना फायदा होणार आहे की तोटा होणार आहे या संदर्भात भाष्य करण्यात आलं. पाहूयात या संदर्भातला एक. We are planning to export from Calcutta to the Dubai, but we have a logistics from Mumbai. This is one of the challenge. If you are going your product from UP and you have planned to export to the Dubai, or you have planned to export to the USA, how we can plan? Obviously, first material should be procured from the UP. The exit point may be in Mumbai or in Gujarat area, like the Kandla, etc. So this is the challenge is when you have procured the material and up to the Mumbai, approximately 3 to 4 points we have cell tax points, state borders, and sometimes we are facing the such kind of TBT issues. I hope you are well aware of the TBT, trade barriers. And some TBTs is a some kind of unannounced TBT. You are well aware what about the unannounced TBT. How can we cross our material to this border? Who will be help me? And overall losses, if you are going to work on the losses, the such kind of fact. Kisi ka loss nahi hota, only government ka loss hota. Aapko lagta hai, aapke pocket ka gaya? Nahi sir, aapke pocket ka nahi jata hai, government ke pocket. एशियन एक्सपोर्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री AECCI बेलापुर में हमारा चैम्बर है. तो चैम्बर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है. बेसिकली तो वी आर इनटू एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन, लेकिन उसके अपार्ट भी जैसे GST, दिस इज़ अ लेटेस्ट रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन के लिए है. बहुत ज़रूरी है सबको इसकी अवेयरनेस हो. बहुत सारे डाउट्स हैं, वी आर हेजिटेंट अबाउट द सब्जेक्ट. तो इस हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हमने 2 डे सेमिनार यहाँ अरेंज किया है. चैम्बर में वी हैव डिफरेंट विंग्स विद अस एंड मैनी यू कैन से हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आर एसोसिएटेड विद अस. सो जो हमारी प्रोफेशनल विंग है उसमें हम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 6 कंपनी सेक्रेटरीज हमारे साथ काम कर रहे हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो टीम है दैट इज़ हेडेड बाय आर वाइस चेयरमैन मिस्टर धीरेन्द्र प्रजापति. ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है. 2 डेज का सेशन है. अभी अपनी क्लोजिंग सेरेमनी हम शुरू करने वाले हैं. इट हैज़ रीच्ड टू द एंडिंग सेशन. तो बस यही है. GST इज़ अ वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर एवरी वन. आज की तारीख में जो भी प्रैक्टिशनर है, एक्सपर्ट्स है, जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 20 साल से एक्सपर्ट कर रहे, उसके लिए भी आज ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, राइट. आज की तारीख में मैं 15 साल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वेट सेटमेंट से, वी आर वेरी वर्स विथ इट. बट GST इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन. इट्स अ न्यू कंसेप्ट. सो द बेसिकली एज अ टीम ऑफ ACI वी ऑर्गेनाइज दिस सेमिनार स्पेशली ऑन द GST 2 डे सेमिनार to have a learning experience for all our faculty and our members to know about the GST, what the GST is all about,
how their business life is going to affect it, what they have to take the precaution before the appointed, that is the 1st July, where the government is planning to implement the GST. So, ek tarikh se pehle unko preparation kya karna hai, kya documentation rakhna hai, ek tarikh ke baad mein unko kya karna hai, how the taxes is going to be affected, taxes kaise levy karna hai, kaise usko kya karna hai. So, we have organized this learning experience, learning process seminar for them. Logo se isse ek to ye fayda kya hoga ki अगर आप कुछ एक तारीख से चीज़ ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है, इफ़ यू आर लर्निंग दैट बिफोर, तो आपको ये फ़ायदा होगा एक तारीख से आपको बिजनेस में करना क्या है, आपको एडवांस में पता है, तो आपके पास अभी भी 15 दिन बाकी है, तो यू हैव अ टाइम लिमिट विद इन डेट, यू कैन प्रिपेयर योर बिजनेस टू सो योर बिजनेस शुड नॉट गेट अफेक्टेड विद द न्यू GST रिजिम. और नए GST रिजिम में आपको वेरी फर्स्ट दिन से यू आर अ कंप्लायंट पर्सन इन योर बिजनेस. अगर आप रेडी है, आपको पता है कि क्या करना है, तो आपकी तरफ टाइम लिमिट है, आप अपने बिजनेस, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देके आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके रेडी कर सकते हो कि एक तारीख से आपको बाबा इन्वॉइस क्या कैसे करना है, क्या टैक्स लगाना है, मेरा गुड्स अभी में पहले कितना टैक्स रेट था, अभी कितना है, तो ये ऑल आप अभी पहले से तैयारी कर लो, तो फर्स्ट दिन को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. मुझे इन्वॉइस कैसे बनाना है, मुझे कस्टमर को क्या टैक्स चार्ज करना है, मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि GST में कंप्लायंस इज वेरी मच डिफ़िकल्ट. तो वी हैव अ सेशन स्पेशली फॉर द कंप्लायंसेज, आपको करना है रिटर्न कैसे फाइल नहीं करना है. तो वी हैव जस्ट मेड अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, सो बिफोर दे स्टार्ट द सिस्टम गेट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे, सो दे आर रेडी विद द देयर अकाउंटिंग सिस्टम, विद देयर डॉक्यूमेंट्स क्या रखना है, कुछ स्टेशनरी प्रिंट करना है, सो दे आर रेडी विद देम. सो फर्स्ट डे से आप दे आर सिस्टम फॉलो करना चालू कर दें.